क्लास एलकेजी. टुडे आई विल टीच यू बिटवीन नंबर. बिटवीन मीन्स मिडिल. और बिटवीन में हम लोग को क्या करना होता है, करेंगे हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे. या ये देखो तुम लोग कि बिटवीन में हमें क्या करना है, बिटवीन में क्या होता है. बिटवीन में क्या होता है, बीच का नंबर जो मिडिल में होता है वो ब्लैंक होता है. जैसे देखो यहाँ 2 है, यहाँ ब्लैंक बॉक्स है, यहाँ क्या है 4. अब बिटवीन का मतलब बीच में जो है, बीच का नंबर गायब होगा. तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या, हम लोग को क्या करना होगा, तुम लोगों को मैंने बताया था आफ्टर नंबर और बिफोर नंबर. तो आफ्टर नंबर में हमको क्या देखना है, नीचे का. पर बिफोर में क्या होना देखना है हमको, ऊपर का. या आफ्टर मीन्स बाद में, या आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले. तो आफ्टर मीन्स बाद में, या आफ्टर मीन्स फॉरवर्ड काउंटिंग, और बिफोर मीन्स बैकवर्ड. बिफोर 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 बैकवर्ड काउंटिंग. अब यहाँ है देखो, यहाँ क्या है, यहाँ हम लोगों को जैसे देखो तुम लोग, यहाँ यहाँ मान लिया मैं, यहाँ मैं दे रही हूँ 1 और यहाँ ब्लैंक्स है. ये देखो मिडिल है, मिडिल है ना. और यहाँ मैं लिख रही हूँ 3. अब तुम लोग इसको बिटवीन मीन्स में, बिटवीन में जैसे आफ्टर में हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग देखते हैं, तो इसमें भी हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग देखेंगे. अब ये चलो इस ये क्या है, ये क्या है, ये तुम लोग जानते हो कि ये क्या है, ये फॉरवर्ड काउंटिंग है. और फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स होता क्या है, स्मॉलर टू बिगर. देखो यहाँ 1 है, 1 के बाद 2 है, 3, ये स्मॉलर टू बिगर है. तो इसको हम लोग क्या करना है, बिटवीन नंबर को जो है फिल करना है. तो देखो यहाँ 1 है, 1 है, इसके बाद क्या है, ये 3, यहाँ 3 है. अब देखो 1 और 3 के क्या है, बीच का नंबर यहाँ नहीं है, गायब है. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 के बाद क्या होगा, 2, हम लोग इसको फिल करेंगे. 1 के बाद क्या होता है, 2, इसको हम लोग यहाँ फिल कर दिए. और तो हम लोग ये इसमें कौन सा काउंटिंग किए, फॉरवर्ड काउंटिंग किए. इसी तरह से एक और तुम लोग को मैं एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे देखो यहाँ 7 है और यहाँ ब्लैंक्स है, यहाँ क्या है, 9 है. अब तुम लोग बताओ इसमें क्या होगा. तो हम लोग इसमें सबसे पहले सर्च करेंगे कि ये फर्स्ट नंबर को देखेंगे और सर्च करेंगे कि है कहाँ. फर्स्ट नंबर क्या है, 7. अब हम लोग इसमें सर्च करेंगे कहाँ है 7. 7 यहाँ है, 7 यहाँ आ गया. 7 के बाद क्या होता है, 7 के बाद क्या है, यहाँ या 7 के नीचे क्या है, हम लोग जानते हैं. चूँकि फॉरवर्ड काउंटिंग में जो है, या आफ्टर में नीचे का नंबर देखते हैं, या फॉरवर्ड काउंटिंग में भी नीचे का नंबर देखेंगे. तो 7 के बाद क्या है, 8, और 8 के बाद क्या है, 9. देखो यहाँ 9 है और यहाँ 7 है. तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, क्या इसमें नहीं है, ये हम लोग देखेंगे. देख रहे हैं 7 तो है, 9 यहाँ है, पर बीच का नंबर इसमें नहीं है. तो बीच का नंबर कौन सा ब्लैंक है, यहाँ 8 है. तो यहाँ हम लोग 8 लिखेंगे. और एक और इसका है आइडिया, जैसे देखो यहाँ पर मैं 5 लिख रही हूँ. तो तुम लोग को फॉरवर्ड काउंटिंग यदि आता है तो हम लोग सबसे पहले इसको रीड करेंगे. अब जो भी नंबर दिया रहे उसको हम लोग रीड करेंगे. जैसे देखो यहाँ 5 है, तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे. तो हम लोग चलो हम लोग इसको रीड करेंगे, 5, 6, 7 आ गए 7 पे. तो हम लोग 5 तो बोले हैं, जो कि 5 यहाँ पर ऑलरेडी रिटेन है. अब इसके बाद कौन सा नंबर हम लोग बोलते हैं, 6. 6 है या नहीं है, 6 नहीं है. तो और 6 के बाद क्या होता है, 7 है, इसका मतलब 6 नहीं है. तो यहाँ क्या होगा, 6. अब तुम लोग शायद समझ गए होगे. इसके बाद तुम लोग इसको, इस होमवर्क को इसको तुम लोग कंप्लीट करोगे और